जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? महेंद्र दास। महेंद्र दास जी, आप कहाँ से? जिला नरसिंहपुर गाडरवारा तहसील ग्राम जुआरा। आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़ गए? सन 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से 2013 में जुड़ गए, तो आपको किसी ने प्रेरित किया या आप खुद से? हमारे परिवार से और भी सदस्य जुड़ गए थे और परमात्मा का ज्ञान सुना था। आपने परमात्मा का ज्ञान सुना और आपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने से कोई विशेष लाभ हुए आर्थिक या शारीरिक? हाँ, सारे लाभ हुए, शारीरिक भी, आर्थिक भी, मानसिक भी। बहुत काल से प्रेरित थे, परमात्मा की दया हुई आने के बाद सब सही है आज, मालिक की दया से। कोई विशेष लाभ? विशेष तो सब लाभ ही लाभ है, परमात्मा का मोक्ष मार्ग मिला। इसके पहले आप कौन सी देवी देवता? जो हिंदू धर्म में सभी देवी देवता थे उनको मानते थे। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जो 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है और उसमें आपकी रूपरेखा देख के ही मैं समझ सकता हूँ कि आप कितनी सेवाएं दे रहे हैं भीगते हुए। तो आपका ये 3 दिवसीय कैसा अनुभव रहा है, इसके विषय में थोड़ा सा? परमात्मा ही सेवा करवाते हैं, जीव की औकात नहीं होती सेवा करने की। परमात्मा ने प्रेरणा की कि पानी गिर रहा है इसमें कोई, जब अपन स्वयं आगे जाएंगे जब तो दूसरे आएंगे। दास को जिला सहयोग की सेवा दी है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा सेवा के लिए इच्छुक हैं और सेवाएं दे रहे हैं, तो जो लोग आपको आज देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश देना? वही कि भी सेवा परमात्मा करवाते हैं, जीव की औकात नहीं है। परमात्मा सेवा सुमरण दान ही साथ जाएगा, बाकी ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। और जी सर, क्या नाम है आप? भरत कुमार, मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ, मध्य प्रदेश। आप भी यहाँ सब सेवाएं? हाँ, सारी सेवाएं देने के लिए और आए हैं, और सेवा का भार दिया गया है जिसमें सारी चीज़ों की रूपरेखा कैसी बनाई गई है और किस तरीके से उसका मेंटेन करना है, इसको सारी निगरानी के लिए रखने के लिए सेवा दी गई। जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोगों का, भक्तों का आना हुआ आ रहे हैं और हमारी बहनें भी आ रही हैं, सभी लोग आ रहे हैं, जगत के भी और भगत के लोग भी आ रहे हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज? इसको कराते तो हैं परमात्मा और तरीका भी बता देते हैं, तो उस तरीके से वो मैनेज किए जा रहे हैं। उनके आव भाव सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाती है, वो भगवान दिखाते हैं किस तरीके से इनको हैंडल करना है। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इतनी बारिश के बाद भी आप लोग भीगे हुए और इतने खुश मिजाज और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, उस माहौल के बारे में क्या कहना? माहौल तो परमात्मा ने बनाया है, वो कैसे करे कराएंगे साइयाँ, भगवान की कहावत है, भगवान बता रहे हैं और करता धरता तो वही है, हमको माध्यम बनाया है जिससे हमारे पाप पूर्ण करते हैं तो वो भाव बनते हैं, और माहौल इतना अच्छा बना दिया भगवान ने इस जो कालदेव की नगरी में। यहाँ अच्छा कार्य करने जब भी हुआ है या ऋषि मुनियों को जब भी कोई कार्य हुए तो इस तरीके की आपदाएँ हमेशा आई है, मगर पूर्ण परमेश्वर इसमें समर्थ है, उसको रोकते हैं और वहाँ का माहौल इस तरीके से बनाते हैं जहाँ डर और भय नहीं होता है। मैं जैसा कि जो लोग आपको आज देख रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देना? भाई, देने वाले संदेश तो भगवान है, बस दास एक सेवादार है, परमात्मा का कुत्ता है, यही बताना चाहता है कि सेवा ही परम चीज़ मान के चलना चाहिए। सेवा, सिमरन और दान, ये तीनों चीज़ें मुख्य बताएगी। भाई, हम सेवा करेंगे तो हमारी निश्चित तौर से सिमरन होगा, और सिमरन होगा तो हमारा दान यानी मजदूरी हमें भगवान निश्चित देंगे जिससे हम देने में भी सामर्थ्य बनेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों।